अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो FCI यानी भारतीय खाद्य निगम की तरफ से कम दामों में बेचे जाने वाला अनाज बाजारों भाव से ज्यादा कीमत पर बेचने जा रहे थे। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 के सीनियर PI सागर सिवलकर को 18 मई को गुप्त जानकारी मिली के दहिसर के वामन पाटिल रोड कांदरपाड़ा परिसर में FCI के द्वारा जारी किया गया अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने इस परिसर में एक गोडाउन पर छापा मारा जहां भारतीय खाद्य निगम की 50 किलो की बोरी का गेहूं दूसरी बोरियों में भर कर एक ट्रक में लोड कर रहे थे। दो लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि इस गोडाउन में FCI की तरफ से कम दामों में बेचे जाने वाला गेहूं सादा गोनियों में भर कर इन गोनियों का अनाज ज्यादा भाव से बेचने जा रहे थे। पूरी जानकारी सामने आने के बाद यूनिट 12 ने इस गोडाउन से गेहूं से भरी 217 सादी बोरियां जिनकी कीमत 2,71,250 रुपये, FCI की गेहूं भरी एक बोरी और FCI की 200 खाली बोरियां, दो बोरी सिलने की मशीन, एक टाटा कंपनी का ट्रक जिसकी कीमत 9,50,000, कुल 12,35,250 रुपए का माल जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए दोनों आरोपी सुजीत कुमार राजभर 28 साल ट्रक चालक, दीनानाथ यादव 39 साल बजरंग टेंडर्स का मालिक, दोनों पर IPC की धारा 420, 188, 24 के साथ जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 378(2) के साथ राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम की धारा 51B के तहत केस दर्ज कर दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को 26 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।